हाय गाइस, माय नेम इज रोशनी शुक्ला, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मिंत्रा जीन्स हॉल। मैंने मिंत्रा से काफ़ी सारी जीन्स परचेज करी है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नीचे देगा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये सारी जीन्स मैंने पता है किस में परचेज करी है, इरोज सेल में, जो एंड ऑफ रीजन सेल चल रही थी मिंत्रा पर, वहाँ से परचेज करी थी। काफ़ी लेट आया पार्सल और मैंने सच बता रही हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा आलस आ रही थी तो मैंने खुद ही काफ़ी लेट ऑर्डर किया। तो अब आया है, अभी भी सेल चल रही है तो सेल का फायदा जरूर उठाएं। अगर आप पूछना चाहते हैं ये मैंने प्यारी सी टॉप कहाँ से परचेज करी है, तो ये मैंने मीशो से परचेज करी है। अगर अभी तक आपने मेरा मीशो टॉप हॉल नहीं देखा है तो जरूर जाके चेकआउट करें, क्योंकि इस बार मैंने काफी ट्रेंडी टॉप्स परचेज करी है मीशो से। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैंने जीन्स परचेज करी है बहुत ही सस्ती मिली है, मतलब मुझे सब 700-800 की ही पड़ी है। क्वालिटी मस्त है, आपको जीन्स ज़रूर पसंद आएगी और इसमें से मुझे मेरी भी कुछ फेवरेट जीन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं सबसे अपना बड़ा वाला पैकेट पाने जा रही हूँ, जिसमें 3 जीन्स मुझे साथ में रिसीव हुई थी। सबसे पहले मैं आपको ब्रांड का नाम बता देती हूँ। तो ब्रांड का नाम है दी रोज स्टार लाइफ को कंपनी। प्राइस का आइडिया नहीं है मुझे, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट मेंशन करूँगी, आप देख लेना कि मतलब ये जीन्स कितने की आई है। बाकी मैं अगर ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने एकदम प्लेन बेसिक जीन्स परचेज करी है और ये है जो बेल बॉटम स्टाइल है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब यार इतनी अच्छी क्वालिटी है और मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं एक बार चेक ही कर लेती हूँ प्राइस, क्योंकि मैं तारीफ इतनी कर रही हूँ कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो देख लेते हैं इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस अभी मुझे नहीं पता क्योंकि अभी नेट नहीं चल रहा है मेरा, बट कोई नहीं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ओवरऑल क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। 30 साइज में परचेज किया है, यहाँ पे लिखा है दी रोज स्टार लाइफ ऑफ कंपनी समथिंग, ये लिखा हुआ है। पूरी ओवरऑल आप देख सकते हैं बेल बॉटम स्टाइल है और ये पीछे का इसका बैक का स्टाइल है, पॉकेट्स बहुत अच्छी हैं। जीन्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब जो इसका कलर है, जो इसकी क्वालिटी है, वो सब कुछ मुझे इंप्रेसिव लगी। तो ये वाली जीन्स आप ज़रूर मस्ट परचेज करना, साइड में ट्रायल हॉल चलेगा, नज़र आएगा कि ओवरऑल इसका लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं इस जीन्स को 9.5 out of 10 दूंगी, क्योंकि क्वालिटी, मुझे जीन्स पर क्वालिटी चाहिए होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। तो फर्स्ट वन ये वाली जीन्स परचेज करी है। हम देखते हैं सेकंड वन कौन सी परचेज करी है। सेकंड थोड़ी डार्क ब्लू में है। मैंने बहुत ही प्लेन सी जीन्स परचेज करी है, क्योंकि सच बताऊँ फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, या किसी इवेंट्स पे जाना हो, इस तरह की सिंपल जीन्स ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये हर तरह के आउटफिट के साथ मैच कर जाती हैं। तो ये भी सिंपल सी बेसिक सी ब्लू कलर की जीन्स मैंने मंगवाई है और इसको बोलते हैं मॉम फिट मेबी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा इसका स्टाइल है। नीचे की साइड नैरो आएगा, ऊपर की साइड थोड़ा सा स्टेप का आता है, बैगी टाइप का, प्लेन सी जीन्स है। इस बार पता नहीं सेल इतनी अच्छी चल रही थी कि मुझे लगा कि मुझे अगर मतलब 1000-2000 मतलब 1200-1400 की जीन्स अगर मुझे 700-800 में मिल रही है तो मुझे ज़रूर परचेज़ करना चाहिए और आपके साथ शेयर करना चाहिए। प्राइस कभी कभी इतना मैटर नहीं करता है जितना जीन्स की क्वालिटी मैटर करती है, और आप इनको वेस्ट लिस्ट कर सकते हैं, बाद में जब प्राइस कम होगी तब परचेज़ कर लेना। बट समथिंग ये ब्लू कलर की जीन्स, मतलब आप अभी मुझे अपनी चॉइसेस पे ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। किसी ने मेरे मीशो के टॉप हॉल पे कमेंट किया था कि आपकी चॉइस तो बहुत बेकार है। मैं सच बताऊँ, मैं काफ़ी सारी हॉल वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हर तरह की वैरायटीज़ के ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूँ, सस्ते भी, रीजनेबल भी, अच्छी क्वालिटी के भी हों। तो मैं मीशो का, तो मैं ज़्यादातर मीशो टॉप हॉल शेयर करती रहती हूँ, तो मैं वहाँ पर कोशिश करती हूँ मैं हर तरह की वीडियोस को कवर, हर तरह की टॉप को कवर करूँ। तो इसीलिए कई कई बार आपको पसंद नहीं आती होंगी, बट आप मेरे और टॉप हॉल वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा जो इससे पहले मैंने बनाई है। तो ये समथिंग इस तरह की ब्लू कलर की क्वालिटी आप ओवरऑल देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट में पॉकेट का कुछ इस टाइप का स्टाइल दे रखा है, पीछे की साइड थोड़ा सा इलास्टिक लगा हुआ है, थोड़ा स्ट्रेचेबल है। मैंने 30 साइज में परचेज़ किया है। मेरी जो हाइट है वो 5'4" है, तो मेरी हाइट पे ओवरऑल जीन्स कितनी लेंथ में आ रही है, कैसी लग रही है, वो आपको इधर साइड में नज़र आता रहेगा, तो आप ही देख लेना आपकी हाइट क्या है। तो सेकेंड एंड वन ये वाली जीन्स परचेज़ करी, जिसमें कुछ इस तरह की वाइट सी समथिंग लाइनिंग है। और अब बढ़ते हैं थर्ड जीन्स की तरफ, जो मैंने समथिंग लाइट ब्लू समथिंग कलर में परचेज़ करी है। जीन्स के कुछ मेरे फेवरेट्स ब्रांड भी हैं जो कि मैंने शायद परचेज़ किया हो इस हॉल वीडियो में। तो ये भी दी रोज स्टार लाइफ है, इसकी जीन्स काफ़ी अच्छी आ रही है, मतलब मुझे तो अब तक काफ़ी अच्छी लगी।
कुछ समथिंग ये है बेल बॉटम या फिर क्या बोलेंगे इसे मॉम फिट या जो ऊपर से इस तरह से होता है और नीचे खुल जाता है वो कुछ इस टाइप का इसका स्टाइल है। ये पूरा ही खुला हुआ है पूरा मतलब ऐसा स्कर्ट वाला वाइब देगा ना ये वाली जीन्स आपको और नीचे की साइड में इस तरह की प्लेट्स बनी हुई है और पूरा बैगी सा स्टाइल है। अगर आप कुछ बैगी सा ढूंढ रहे हैं तो ये वाली जीन्स आपके लिए मस्ट परचेज है और मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी मुझे टच करने से ही फील हो रही है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। 30 साइज में मैंने परचेज किया है और लेंथ इसकी बहुत अच्छी है मीडियम है 30 मतलब इसमें मीडियम आ रहा है। तो ये वाली जीन्स भी ज़रूर परचेज़ करना। ओवरऑल ऊपर की क्वालिटी कुछ इस टाइप की है। जीन्स बहुत प्यारी है बहुत अच्छा फिट आया है मुझे ये क्योंकि मैंने अभी ट्राई कर लिया तो फिट इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्ट्रेचेबल है कम्फर्टेबल है ज़्यादा मोटी सी एकदम बोरी वाली टाइप नहीं देगा मतलब एकदम बोरी वाला वाइब नहीं देगा आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी ये वाली जीन्स। तो ये वाली भी ज़रूर परचेज़ करना। ये 3rd जीन्स थी जो मैंने परचेज़ करी है। अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने 4th जीन्स परचेज करी है। 4th समथिंग डार्क ब्लू कलर में परचेज करी है। ज़्यादातर मैंने बेसिक से ब्लू कलर ही परचेज किया है क्योंकि मुझे ब्लैक कलर इतने जीन्स में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये समथिंग बेसिक सा सिंपल सी प्लेन सी जीन्स है कुछ इस तरह के ब्लू कलर की और यहाँ पे साइड में इस तरह की पॉकेट दे रखी है। इस तरह की जीन्स को पता है क्या बोलते हैं जो साइड में पॉकेट दी होती है इसको कार्गो जीन्स बोलते हैं मे बी। तो ये कार्गो जीन्स स्टाइल में है बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है। पीछे की साइड में जब जीन्स में इस तरह का स्ट्रेचेबल मटेरियल लगा होता है ना तो वो जीन्स मेरा दिल जीत लेती है। वो मैं बताऊंगी क्यों क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आपने ज़्यादा खा लिया टमी थोड़ा बाहर निकल गया तो एकदम टाइट जीन्स में ना आपका टमी एकदम ऐसा घुटने लगता है। बट इस वाले में जब पीछे की साइड पर इस तरह की इलास्टिक लगी होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ये समथिंग मैंने 4th जीन्स परचेज करी थी। क्वालिटी आप अच्छे से देख सकते हैं कलर उसका कुछ इस टाइप का है और इस तरह का ये खुली सी जीन्स है थोड़ा बैगी स्टाइल इसका दे रखा है। 2x पे चलाने की ज़रूरत नहीं है 1.5x पे चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी खुद की स्पीड इतनी तेज़ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना के ख़त्म करती हूँ क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मतलब 45 अब टेम्परेचर जा रहा है और जो ह्यूमन बॉडी को फील हो रहा है उस टाइम वो 51-52 पार जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हीट है और मुझे ऊपर बनानी पड़ती है वीडियो ऊपर वाले कमरे में तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऊपर से फ़ैन ही लगा है तो फ़ैन भी मैंने ऑफ कर रखा है। मेरा सारा मेकअप भी उतर गया है पर वीडियोस तो बनानी ही है तो चलता है ये सब। तो लास्ट जीन्स मैंने ये परचेज करी है बट मुझे बहुत हैवी लग रही है। मैंने सारी ही जीन्स एक ब्रांड के परचेज करी है। लगता है मुझे एक ब्रांड एकदम ऑब्सेस्ड हो जाता है मुझे ज़्यादा ही पसंद आ जाता है। तो ये समथिंग कुछ कार्गो स्टाइल में जीन्स है बहुत ही अच्छा स्टाइल है ओके। इसमें कुछ आपको यूनिक स्टाइल मिलेगा। इसकी जो पॉकेट्स है वो एकदम जीन्स के एंड पे हैं तो आपको कुछ भी छुपा कर डालना हो ना तो आप इसमें डाल लें कोई चेकिंग नहीं होगी। मूवी वूवी देखने जा रहे हैं इसके अंदर कुछ भी डाल लें किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। वैसे पॉकेट काम की भी हाँ पॉकेट्स तो काम की हैं और बहुत ही अच्छे से इस पर बटन्स लगी हुई हैं। ये देखो बटन्स है तो बटन्स को आप खोल सकते हैं और इस तरह की 2 पॉकेट्स हैं एक छोटी एक बड़ी दो पॉकेट्स दी गई हैं। और अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो दूसरी साइड भी इस तरह की पॉकेट दी गई है बट इसमें एक सिंपल सी एक ही पॉकेट है। और ये वाली जीन्स भी मैंने 30 साइज़ में परचेज करी है। तो फ्रंट का लुक इसका कुछ है बैक का कुछ इस टाइप का है। फ्रंट्स में पॉकेट दी गई हैं बैक में पॉकेट दी गई हैं। दीरो स्टार है टैग पीछे यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ इस टाइप का बैगी स्टाइल की जीन्स है। तो अगर आपको ये भी पसंद आती है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। साइड में ट्राइन हॉल चल रहा होगा तो ट्राइन हॉल में आप देख सकते हैं। एक बार मैं अच्छे से इसका जो पूरा लेग का स्टाइल है वो दिखा देती हूँ कुछ इस टाइप का है। और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा आएगा क्योंकि मेरी हाइट जो है 5'4" है। अब मुझे लग रहा है ये ज़्यादा लंबा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं 36 सेंटीमीटर इंसेंट लेंथ 79 सेंटीमीटर है ओके। लाइट ब्लू उसका कलर है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मैंने परचेज करी होगी। तो कुछ इस टाइप की ये जीन्स है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा नीचे देखा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू। मैंने काफ़ी सारे जीन्स हॉल वीडियो शेयर किए हैं तो अगर आपको और भी जीन्स हॉल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपकी अगर आपको कोई सजेशन मुझे देना है वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।